मैडम मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी सर है। जी। वो बोल रहे हैं कि भाईचारा खत्म कर दिया भाजपा ने। सन 1947 में जब देश का विभाजन होता जब कांग्रेस ने भाईचारे का क्या किया था? बड़ा सवाल है। वो कह रहे हैं कांग्रेस दूसरों पर आरोप लगाती है, खुद कांग्रेस ने क्या किया? जहाँ तक 1947 का प्रश्न है तो मैं इनसे ये कहूँगा कि इनके घर पे इनके पिताजी और इनके दादाजी मौजूद होंगे, वो उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। 1947 आप लोगों ने भाईचारा खत्म किया या नहीं? 1947 की पोजीशन को आज की स्थिति को बड़ा अंतर है। उस स्थिति को हमने पाटा, जो 60 साल में हमने कमाया इन्होंने 10 साल में गवा दिया। बीजेपी ने गवा दिया, बीजेपी ने भाईचारा खत्म कर दिया। विजय जी मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, चेहरा दिखाइए विजय जी का, उनके पास ही आऊंगी जवाब लेने के लिए। सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं वो, लेकिन यहाँ पर कवि आरएलडी के प्रवक्ता भाईचारे को लेकर कविता पढ़ना चाह रहे हैं, जल्दी से सुनाइए। यूं तो हर एक शख्स का ईमान होना चाहिए सबसे पहले वो, मगर इंसान होना चाहिए। और हों जहां शिव की अजाने और खुदा की आरती, वो इबादतगाह हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब, तालियां हो जाए जरा जोरदार तरीके से। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाईचारा हमेशा हर कीमत पर कायम रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी में हो। नहीं तो बीजेपी खत्म कर रही है या नहीं कर रही है, जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है? आपके साथी हैं अभी तक औपचारिक ऐलान किया नहीं है जैन जी ने। नहीं, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन अपने सभी मित्रों को यह सलाह देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान सबका है। विजय जी हिंदुस्तान सबका है, दबी जुबान में सलाह दे रहे हैं वो। ये भारत सबका है, 140 करोड़ लोगों का है। भाईचारे खत्म किया बीजेपी ने, जो आरोप लग रहे हैं आप पर? आरोप कोई भी लगा सकता है, आपको देखने को मिला होगा 2014 से पहले और 2014 के बाद भाईचारा बढ़ा है, समाप्त नहीं हुआ है, दंगे नहीं हुए, कोई भी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। ये देश की जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा, जब भी मैं कह रहा हूँ 80 में हम 20 में सब। तो आंकड़े बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि देखिए भाईचारा बढ़ा है, सबका साथ सबका विकास। सुनिए तो, आप ही के पास आ रही हूँ धर्मेंद्र जी, ये साथी थे आपके, इनके बूते पर आपको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें कुछ कर लेंगे, लेकिन अब तो ये भी छोड़ के जा रहे हैं, क्या होगा साइकिल का? ये ऐसा है, लोकतंत्र है, लोग आएंगे जाएंगे, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। वोटों पर तो फर्क पड़ेगा ना? वोटों पे फर्क पड़ने दीजिए, हार जीत तो मतलब मामला निकल गया हाथ। नहीं नहीं, कोई सुनिए, हारेंगे भी भारतीय और जीतेंगे भी भारतीय। भारत नहीं बटेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन मणिपुर में जिन महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया वो इसी सरकार की देन थी। और इस देश के प्रधान सेवक ने दो शब्द नहीं कहे, ये कानून व्यवस्था थी, भूल घड़ी में कांड हुआ, क्या क्या हुआ यहाँ। और अभी देखिए, मैं जवाब ले लेती हूँ, मणिपुर पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद ये यूपी 80 में से 80 जो जीत का दावा कर रहे हैं वो भी कर दीजिएगा, लेकिन पहले मणिपुर पर जवाब। नहीं, गेस्ट हाउस के अंदर मैं आप पूछना चाहता हूँ, मणिपुर पर मतलब नहीं है जवाब, मैं गेस्ट हाउस पर बात करेंगे। मणिपुर में जवाब दूंगा आपको, देंगे मणिपुर, मणिपुर को जवाब दूंगा, गेस्ट कांड हुआ, गेस्ट हाउस कांड हुआ, कह रहे थे मणिपुर पर जवाब दूंगा, आप तो फिर गेस्ट हाउस कांड पर पहुंच गए। मैं आ रहा हूँ मणिपुर पे, माननीय गृह मंत्री जी ने कितना उस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया, ये पूरे देश ने देखा था, ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे देश ने देखा था और आपके टीवी चैनलों ने दिखाया भी था, ऐसा नहीं है। और उसका परिणाम भी आप, मतलब ये आरोप भी निराधार है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इनकी सरकार थी, क्या स्थिति थी इस प्रदेश के अंदर, एक व्यापारी जब घर से बाहर निकलता था उसकी माँ बेटी बच्चे सोचते थे ये दुकान बंद करके आप आएंगे नहीं आप आएंगे, बीच में अपराध हो जाता। ठीक है, आप मणिपुर को लेकर घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं इनको अपना दौर भूल गया, सत्ता में जब थे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मतलब यूपी में जंगल राज। अभी आगरा में एक 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 बहुत बड़ा जमीन का कांड हुआ, यहाँ की पुलिस का एक दरोगा उसमें इन्वॉल्व है, तो इनकी सरकार में तो पुलिस अपराध कर रही है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस अपराध कर रही है, क्या मामला है जल्दी से बताइए। अरे बहुत बड़ा जमीन का मामला, इतने दिन से हाईलाइट हो रहा है, और ऐसे जाने कितने मामले हैं जिनको दबाया जा रहा है, लेकिन फिर भी 80 में से 80 का वो दावा कर। मैंने क्या कहा, जैसे चंडीगढ़ में मेयर चुनाव जीत लिया, वैसे ये 80 में से 180 जीत ले। अरे ये कह रहे हैं, ये तो यहाँ पर एकदम कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ ये धांधली कर रहे हैं। ये भी लोकतंत्र के ऊपर हत्या कर रहे हैं ये लोग, आप देख। वो कैसे, ये देखिए आप कह रहे हैं जीत लेंगे ऐसे ही, वो तो 80 में से कह रहे हैं 180 जीत लेंगे, ये कह रहे हैं 80 में से 180 जीत लेंगे। विजय जी 80 में से 80 हम जीतेंगे, निश्चित रहे, 180 नहीं, 80 में से 80 जीतेंगे और 400 पार जीतेंगे। अभी इन्होंने कहा कि पुलिस, यहाँ किसान नेता कह रहे हैं क्या जरूरत नहीं है, यानी जब 80 में से 80 जीत जाएंगे 400 पार हो गए तो चुनाव की जरूरत नहीं, लोकतंत्र रहा का क्यों भाई, अगर जनता उनको चुन रही है और जीत रहे हैं वो,
जब उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी, जब कांग्रेस जीत गई थी, जब कांग्रेस जीती थी और वो कितनी 414 सीटें जीती थी राजीव गांधी के समय में, तो फिर क्या तब लोकतंत्र नहीं था? मैं इन्हीं तब लोकतंत्र था या नहीं था ये बताओ आप। लोकतंत्र था, लोकतंत्र था। अगर ये 400 से ज्यादा जीते सीटें जीत जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। हो जाती है, पहले ही घोषणा हो जाती है यानी हम 400 के पार जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।